फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट कोचिंग सेंटर। मेरा नाम संजीव है और मैं आप लोग को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ये सारे कॉम्पिटिटिव और SSC, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है इसका। सो आप ध्यान से सुनना, मैं जितना बताऊँगा आपको एक ही फार्मूला पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस ध्यान से सुनिएगा आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। सो आप लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज। ये एक ही फार्मूला है, इसी फार्मूला पे अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब ध्यान से देखना आप, इफिशियंसी तीन चीज़ें बस, इफिशियंसी, टोटल वर्क और नंबर ऑफ डेज, बस ये तीन चीज़ के साथ ही हमको पूरे टाइम एंड वर्क के साथ डील करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना। और एक चीज़ और, हाँ, जैसे LCM कुछ बच्चों को लेने में प्रॉब्लम होती है, तो LCM का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। फिलहाल आप इसको यूज़ करना, मैं आगे आपको और यूज़ करके दिखाऊँगा। लेट सपोज़ मान लीजिए कोई भी तीन डिजिट है, मान लीजिए 12, 15 एंड मान लीजिए 24, इसका LCM लेना है। सो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ अभी के लिए, ऐसे यूज़ करना। मान लीजिए 12 है, तो 12 के मान तीन डिजिट है, 12, 15 एंड 24। सो जो 12 है, 12 को छोड़ देना, बाकी 15 और 24 को यहाँ लिख लेना आप। 15 24 लिख लिया आपने, उसी तरह से 15 को छोड़ देना, 15 के सामने जो 15 को छोड़ के 12 और 24 लिख लेना आप। उसी तरह से 24 को छोड़ के 12 और 15 लिख लेना। अब देखिए, जो जितना कट रहे ना उनको आप काट दीजिए, जैसे कि 38 जो 24, 38 जो 24, 35 जो 15, ये कट गए। और क्या क्या कट रहा है तो ये देखिए, 42 जो 8, 42 जो 8, 43 जो 12। जब आप काटेंगे तो तीनों कटने चाहिए, ऐसा ना हो कि दो को काट दिए या ये दो को काट दिए, ऐसा नहीं, तीनों कटने चाहिए। और देख लीजिए, जब तक कट रहे हैं तब तक आप काट सकते हैं इनको। देखिए ये 3 1 जो 3, 3 4 जो 12 और 3 5 जो 15, और कोई कट रहा है देखिए अब नहीं कटेगा। तो अब जो है ना, आप किसी भी कोई भी एक रो को पकड़ लीजिए, चाहे इसको या फिर इसको या फिर इसको, अब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम ना आएगा नंबर। देखिए यहाँ 5 बचा था, 2 5 2 जो 10, और 10 इंटू 1 12 कितना हो गया, 120। अब ये देखिए यहाँ कितने बजे थे, 4 2 जो 8 15 इंटू 8 करिएगा, ये भी 120 आएगा। उसी तरह से 24 इंटू 5, ये पूरे रो में आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 कीजिएगा, ये भी 120 ही आएगा। सो ये 120 क्या है, ये LCM है। किसी भी एक रो को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका LCM हो जाएगा। जब तक कट रहा है तब तक आप इसको काटिएगा। ये हो गया LCM जो अपन यूज़ करेंगे, ये आप ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया बेसिक डिटेल्स। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन के साथ डील करते हैं अपन, आपको समझ में आएगा। देखिए, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ये हमारे पास टाइम एंड वर्क हो गया। हमारे पास पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल है, ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए किसी दिन को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है काम, और बी कोई है जो सेम वर्क को 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो कितने दिन में, हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क, मतलब दोनों मिल के जब साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। सो अब देखिए, जो मेथड मैं यूज़ करूँगा सारे क्वेश्चन में, वही मेथड यूज़ करूँगा, आप भी ध्यान से देखना, उसी तरीके से यूज़ करना। सो देखते हैं अपन, अगर ए किसी दिन को 10 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, ठीक है, बी किसी दिन को 15 दिन में, ठीक है, ये हो गया इसका डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, हम लोग LCM निकालना सीखे थे, तो 10 के आगे 10 छोड़ के यहाँ 15 लिख लिए, 15 के आगे 10 लिख लिए। अब जब तक कट रहा तब तक काटिए, 5 3 या 15, 5 2 या 10, ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, 3 2 रह गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 10 इंटू 3 30, 15 इंटू 30, तो 30 जो आ गया हमारा LCM आ गया, और यही हमारा टोटल वर्क होता है। जो LCM हमारा निकल के आता है वही हमारा होता है टोटल वर्क। सो टोटल वर्क हमारा 30 आ गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, यही बताया था। तो अब हमारे पास टोटल वर्क है और नंबर ऑफ डेज है, तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, मतलब 30, ए की 30, और नंबर ऑफ डेज कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 10 दिन में, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे
30 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो मतलब ए की इफिशियंसी 3 आ गई हमारे पास। उसी तरीके से 30 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो हमारे पास 2 इफिशियंसी आ गई बी की। तो हमारे पास दोनों की इफिशियंसी आ गई इस फॉर्मूले से, इफिशियंसी आ गई। अब देखिए जब 3 और 2 इफिशियंसी आ गई, अब जब वो बोल रहा है कि जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, मतलब ए प्लस बी साथ मिलकर जब काम करेंगे तो एक्स दिन लगेगा उनको टोटल वर्क कंप्लीट करने में। ये पॉइंट देखिएगा, ये टोटल वर्क, अब देखिए ये जो फार्मूला है हमारे पास टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। सो टोटल वर्क को जब हम निकालेंगे तो एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही किया है मैंने, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी, और अभी तो हमें नहीं पता है कि क्या है नहीं, कितने दिन में दोनों साथ मिलकर ख़त्म कर रहे हैं, तो हमने एक्स मान लिया है। इसे यही फार्मूला यूज़ किया है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी लिखा हमने और नंबर ऑफ डेज एक्स है जो हमें नहीं पता, जो हमें निकालना है। तो हमारे पास हमें एफिशिएंसी पता है ए और बी की, ए और बी की एफिशिएंसी है 3 + 2, तो 3 + 2 एक्स दिन में काम करता, टोटल वर्क हमारे पास दिया हुआ है, टोटल वर्क हमने एलसीएम निकाला था 30, तो ये 30, तो यहाँ से 5x = 30 और x = 30 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो 6 डेज जब दोनों साथ मिल के काम करेंगे तो 6 दिन लगेगा हमें काम ख़त्म करने में ए और बी की। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आप ध्यान से देख लीजिए क्या किया मैंने, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। कुछ नहीं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज होता है। एक ए 10 दिन कोई काम ख़त्म कर रहा है, ये डेज है, ये अगर 10 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, बी 15 दिन, तो हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, जो ले सकते हैं एलसीएम जिनको पता होगा वो 30 डायरेक्ट ले लेंगे, लेकिन जो नहीं ले सकते वो आप ऐसे कर लीजिएगा 10 के सामने, 10 को ऐसे छुपा लीजिएगा, उसके जो सामने डिजिट होगा नीचे वाला उसको लिख लीजिएगा, उसी तरह 15 को ना लिख करके 15 के सामने उसके ऊपर वाला डिजिट लिखिएगा, और जब तक कटेगा तब तक काट लीजिएगा, 5 3 = 15, 5 2 = 10। अब ये 3 2 नहीं कटेगा तो सामने मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे इसको आप इससे कर देना 10 × 3 या 15 × 2, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 30, और वही एलसीएम आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज होता है, तो जब टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कीजिएगा, ये टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कीजिएगा तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ये है आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई ए की 3 बी की 2। अब कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी जब एक्स दिन में कोई काम टोटल वर्क को ख़त्म कर रहा है, तो ए और प्लस बी की एफिशिएंसी लिखते हैं यहाँ पे, और नंबर ऑफ डेज निकालना है हमें, और टोटल वर्क हमने एलसीएम निकाल चुका है 30, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका नंबर ऑफ डेज आ जाएगा 6 डेज। अब आगे देखिए, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कि दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ए कोई काम 40 दिन में कर रहा है, ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 40 डेज, अकेले कोई काम को 40 दिन में करता है, तो कितने दिन में बी अकेला वही सेम काम को करेगा, अगर इफ़ टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 8 डेज। तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए किसी दिन को 40 डेज में काम को ख़त्म कर रहा है, 40 डेज, ठीक है, और साथ मिलके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 8 डेज, टुगेदर बोले मतलब कि ए प्लस बी साथ मिलके वो 8 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो हमने बताया था ये तो डेज हो गया हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, 40 है तो 40 के सामने 40 नहीं, 40 के सामने 8 लिखेंगे, और 8 के सामने 8 नहीं 40 लिखेंगे, अब जब तक कटेगा इनको काटो, 4 2 = 8 और 4 10 = और 2 1 = 2, 2 5 = 10। अब चाहे आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप इसको इससे कर लीजिए, वो सेम ही आएगा, ठीक है, 5 8 40 और 40 × 1 = 40, तो ये जो 40 आया हमारे पास ये टोटल वर्क आया एलसीएम। अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो 40 डिवाइडेड बाय 40 ये 1 हो गया और 40 डिवाइडेड बाय 8 ये 5 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई 1, ये देखिए ए की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 1 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 5। तो जब ए की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, तो अगर हम ए की वैल्यू पुट कर दें इस वाले इक्वेशन में तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 1 + b = 5, तो b = 4, मतलब b की एफिशिएंसी हमारे पास 4 हो गई।
अब वही तो हमें निकालना था। अब हमें क्या बोल रहा था कि अगर बी अकेले काम को करेगा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा। ए अकेले कर रहा था तो 40 दिन में कर रहा था, लेकिन अगर बी करता है उसी काम को अकेले तो कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो हमारे पास सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी थी बी की। तो बस क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज। तो एफिशिएंसी हमारे पास बी की 4 दी हुई है। टोटल वर्क हमें निकाल चुके हैं एलसीएम 40, और नंबर ऑफ डेज निकालना है हमें एक्स कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। तो 4x इज इक्वल टू 40, आइए आप यहाँ से काट दोगे तो x बराबर 10 डेज। ये आ गया बी की एफिशिएंसी, बी जो है 10 दिन में पूरे काम को ख़त्म करेगा। ठीक है, समझ गए आप। ये था क्वेश्चन, वही मेथड सारे क्वेश्चन में मैं यही मेथड फॉलो करूँगा। सेम क्वेश्चन सेम मेथड ये फॉलो होगा, ये आपके 10 आ जाएगा। आगे और भी क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। सो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 3 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 4 डेज, एंड ए एंड सी कैन डू इट 6 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी फिनिश इट इफ दे वर्क टुगेदर। क्वेश्चन को समझिएगा कि ए और बी ये दोनों साथ मिलके कर रहे हैं, ए और बी साथ मिलके 3 दिन में किसी कार्य को ख़त्म करते हैं, बी और सी किसी कार्य को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, और ए और सी 6 दिन में ख़त्म करते हैं। तो जब ए बी सी साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो वही सेम हम करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक है, बी प्लस सी किसी कार्य को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, उसी तरीके से ए प्लस सी किसी कार्य को 6 दिन ख़त्म करते हैं। ये आ गया डेज हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम जो होगा डायरेक्टली जो बच्चे जानते होंगे वो 12 आएगा, क्योंकि 12 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर था आप जानते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप इस तरह, कोई बड़ा नंबर आ गया तो उसको आप ऐसे सॉल्व करना, 3 है तो 3 के आगे 3 नहीं 4 लिखिए और 6 लिखिएगा, ये दोनों डिजिट, ठीक है। उसी तरह से 4 के आगे 4 के सामने 3 लिखिए और 6 लिखिए, और 6 के सामने 3 लिखिए और 4 लिखिए, और जब तक कटता है उसको आप काट दीजिए। तो ये 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा, ये 2 है 3 है 4 है, तीनों नहीं कटेंगे। ऐसे मत काट दीजिएगा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कटना है तो तीनों कटने चाहिए, तीनों रो में कटने चाहिए नंबर। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो आप किसी भी एक रो को उठा करके मल्टीप्लाई करोगे, देख लीजिएगा। तो हमारे पास आएगा टोटल वर्क, एलसीएम क्या आ गया, 3 और 4 4, 4 3 जा 12। उसी तरीके से इसको, या फिर आप इसको भी इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। तो किसी भी एक रो को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 12 ही आएगा। तो 12 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं हम लोग। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो टोटल वर्क है हमारे पास 12 और नंबर ऑफ डेज हमको सबको पता है। तो जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 4 आएगा, जब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, उसी तरह से 12 को 6 से करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास एफिशिएंसी, ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास किसी की ए बी सी की एफिशिएंसी, इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमारे पास किसी की नहीं आई है, हमारे पास सबकी कंबाइन आई है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, हमारे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है। तो अब देखिए क्या है कि जब हम इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, जब हम पहले इक्वेशन को सेकंड से माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस सी बराबर 1 आ जाएगा। जब हम पहले इक्वेशन को दूसरे में माइनस करेंगे दूसरे से, तो ए माइनस सी, ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी बराबर 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसी तरीके से ए प्लस सी, थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ए प्लस सी बराबर हमें 2 दिया हुआ है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को जब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये ए ए 2A हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3/2, ए की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 3/2। जब ए की एफिशिएंसी आ गई तो ए की वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। सो ए की एफिशिएंसी है 3/2 प्लस सी बराबर 2,
तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो 2 - 3/2, तो ये हो जाएगा 4 - 3/2 मतलब 1/2, मतलब सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 1/2, बस बी का बचा। तो बस अब आप 1/2 को इस इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, ए प्लस बी 4 है ना, ए प्लस बी हमारे पास 4 है, और जहाँ पे ए प्लस बी हमारे पास 4 है, सी की एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी हमें पता है, तो ए की एफिशिएंसी 3/2 है, तो 3/2 प्लस बी बराबर 4, तो यहाँ से आप बी इज इक्वल टू 4 - 3/2, तो बी इज इक्वल टू 8 - 3/2, सो बी आ जाएगा हमारे पास 5/2। अब हमारे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ चुकी है सबकी, ए की, बी की, सी की, तो बस और क्या करते थे हम कि जब हम साथ में मिल के काम करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जब साथ में मिल के काम करेंगे, तो हमें डेज निकालना है, मतलब हमें डेज नहीं पता, एक्स दिन में टोटल वर्क ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब ए की एफिशिएंसी हमें पता है, ए की एफिशिएंसी हमारे पास क्या निकल के आई थी 3/2, और बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी आ गई थी 3/2 प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई थी हमारे पास 5/2 प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई थी हमारे पास 1/2, ये है सी की एफिशिएंसी, राइट। तो सी की एफिशिएंसी आ गई थी 1/2, सो एक्स डेज में, और टोटल वर्क हमें पता है, टोटल वर्क हमने एलसीएम निकाला था, तो एलसीएम हमारा कितना आया था, 12 आया था, सो हम यहाँ पुट कर देंगे 12। सो अब इसको देखिए, ये एलसीएम आ जाएगा 2, तो 3 + 3 + 5 + 1 एक्स 12, तो ये हो जाएगा 5 + 3 = 8 + 9/2 x = 12, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 12 × 2/9, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 8/3 days, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये है। सो आप देखिए इसको, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमारे पास नहीं थी, तो हमारा काम ये था कि इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमें चाहिए थी, तो ये प्रोसेस तो सब जगह सेम है, आपने डेज लिख लिया, एलसीएम निकाल लिया, टोटल वर्क, एलसीएम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, ठीक है। एफिशिएंसी हमने निकाल दिया टोटल वर्क को डिवाइड करके डेज से, तो ये जो ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी और ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई, तो हम क्या करिए, तीन इक्वेशन थे हमारे पास और तीन अनोन ए बी सी, तो तीन इक्वेशन तीन अनोन आराम से हम फाइंड कर सकते हैं ए बी सी की। तो पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस कर दिए, तो ए, तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई 3/2। फिर उसी तरीके से इक्वेशन, सिंपल सी इक्वेशन थी, आप सॉल्व कर लीजिएगा तो सी भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगी, सबकी इक्वेशन इंडिविजुअल, ये एफिशिएंसी आई हमारे पास, ठीक है। अब कुछ नहीं, जब तीनों साथ में मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी एक्स दिन में टोटल वर्क को ख़त्म करेंगे, जिसमें हमारे पास अनोन था एक्स, जिसमें हमें ए और बी और सी की एफिशिएंसी पता थी और टोटल वर्क हमें पता था, तो हमने पुट किया और हमारे पास डेज आ गए कि 8/3 days में ये तीनों मिल के जब काम करेंगे तो कार्य को ख़त्म कर देंगे। सो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही है। सो देखिएगा ध्यान से, अगर ए और बी साथ में मिल के कोई काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं, सेम है, और बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं और सी एंड ए इन 20 days है, ठीक है। सो इसमें ये बोला है कि ए, हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क, मतलब ए के, ए अकेले अगर उस कार्य को ख़त्म करता है तो कितने दिन लगेंगे उसको काम ख़त्म करने में। सो जो डेटा गिवन है हम उसे लिखते हैं और जो हमारे पास प्रोसेस है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं सेम वैसे ही करेंगे। सो ए प्लस बी है हमारे पास, मैंने 12 days में ख़त्म कर रहे हैं, और बी प्लस सी 15 days है, और सी प्लस ए है 20 days, ये आ गया हमारे पास डेज। तो हम बताए थे आपको कि एलसीएम कैसे लेना है, वैसे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60 LCM आ जाएगा इसका, लेकिन मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, जो बच्चे एलसीएम लेने में जिनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे निकाल सकते हैं। क्या बताया था मैंने, 12 है, 12 के सामने 15 लिख लीजिए और 20 लिख लीजिए, 15 है, 15 के सामने 12 लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए, 20 के सामने 12 लिख लीजिए, 15 लिख, और जब तक कटता है आप काट दीजिए। तो 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 और 5 × 3 = 15, ठीक है। और कटेगा 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4, ठीक है।
और कटेगा क्या? हाँ, 3 1 3 3 1 3 और 3 5 15। अब नहीं कटेगा ये, यहाँ ये देखिए 4 बचा 5 बचा और 3, अब नहीं कटेगा। तो अब देखिए 12 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी 60 आएगा, 12 5 60। अब 15 को 4 से कीजिएगा फिर भी 60 आएगा, और 20 को 3 से कीजिएगा फिर भी 60 आएगा। सो हमारे पास 60 आ गया टोटल वर्क। किसी भी एक रो को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उससे, तो आपका टोटल वर्क और एफिशिएंसी आ जाएगी, टोटल वर्क आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालना है हमें। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो 60 को डिवाइड कर दीजिएगा 12 से तो 5 आ जाएगा हमारे पास एफिशिएंसी, 60 को 15 से कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और 60 को जब 20 से कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, लेकिन ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है, ये हमारे पास कंबाइन एफिशिएंसी है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 है। तो हमारे पास अभी हमारा सबसे अब हमें निकालना है कि ए अगर 60 यूनिट वर्क है अकेले करेगा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा, लेकिन हमारे पास कंबाइन एफिशिएंसी है तो हम ए की पहले इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालेंगे, जिसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 और 4, सी बी प्लस सी की और 3। तो अब इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है ये, इक्वेशन 3 है ये। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कीजिएगा, आप 2 से माइनस करोगे तो ये बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 5 माइनस 4 1। ठीक है, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। अब हमारे पास सी प्लस ए दिया हुआ है 3, तो अब कुछ नहीं करना, ऐड कर दो। अब जब ऐड करोगे तो ये माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए ए ऐड हो जाएगा, तो 2 ए इज इक्वल टू, और ये 3 प्लस 1 4। तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2। हमें ए की ही निकालनी थी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ए की निकालनी थी, इसलिए ए की निकालनी थी क्योंकि सिर्फ इसने ये पूछा था अगर ए अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा। तीनों लास्ट वाले प्रीवियस क्वेश्चन में था कि तीनों मिल के काम को करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, इसलिए हमें ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये बोला है कि ए अगर किसी इस काम को अकेले करता तो कितने दिन में ख़त्म करेगा, इसलिए हम बी और सी की एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे, सिर्फ ए की निकालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी हमारे पास 2 आ गई। तो अब हमारे पास क्या है, अगर ए किसी काम को एक्स दिन में ख़त्म करेगा तो हमारे पास टोटल वर्क 60। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, ये है टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी ए की, ठीक है, इनटू डेज। यही फार्मूला होता है हमारे पास, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, टोटल वर्क ये होता है ना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज। सो मैंने क्या किया है, टोटल वर्क को निकाला है, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ डेज से। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो अब देखिए, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी हमें पता है, लेकिन कितने दिन में ख़त्म कर रहा है वो काम को हमें नहीं पता, लेकिन काम हमारे पास 60 है टोटल, लेकिन ए की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, टोटल वर्क है 60। तो अब ये 2 से 3 60 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 30 डेज। तो ये आ गया हमारे पास, जो ए है वो अगर अकेले काम को करेगा तो 30 दिन लगेगा उसको पूरे काम को ख़त्म करने में। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, सो ध्यान से देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कलर चेंज कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक अनिल इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज अरुण। इसका मतलब है कि जो अनिल है वो 3 गुना एफिशिएंट है अरुण से। ठीक है, अब ये बोल रहा है टुगेदर साथ में कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, साथ में वो मिलके 12 दिन में किसी कार्य को ख़त्म कर देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल अरुण फिनिश द वर्क अलोन। जो अरुण है वो अकेले ये जो 12 डेज है टोटल वर्क, इसको ख़त्म करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है देख लेते हैं। सो अरुण जो है, अरुण और अनिल और अरुण है, तो दोनों ए है, तो हम अनिल को ए वन मानते हैं। ठीक है, अनिल को ए वन और जो ए टू है उसको अरुण मानते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा,
A1 जो है थ्राइस एफिशिएंट है अरुण से, ये हमारे पास एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ए अनिल और अरुण के बीच की एफिशिएंसी गिवन है हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे आगे, ये आप लिख लीजिए ठीक है। अब वो बोला है कि साथ में मिलके, मतलब A1 + A2 साथ में मिलके 12 डेज में किसी काम को ख़त्म करते हैं, तो बस सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। 12 डेज है हमारे पास, आगे कोई डेटा नहीं है कि कितने दिन में ख़त्म करना है, तो जब A1 और A2 12 डेज में किसी काम को ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल वर्क एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, 12 ही आएगी, टोटल वर्क 12 ही है। और एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज ठीक है, तो 12 / 12 1 आ गई। तो अब हमारे पास A1 + A2 की एफिशिएंसी आ चुकी है 1 ठीक है, और हमारे पास ये हो गया हमारे पास दूसरा। अब हमें पहला गिवन था A1 = 3 × A2, ये हमें गिवन था एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी ये आ गई, दूसरी की ये आ गई। तो अब हमें क्या था कि जो A2 है, A2 हमारे पास अरुण था, तो A2 अगर अकेले किस उस काम को करेगा तो कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो हमारे पास अभी इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं आई A2 की, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 को पुट करेंगे। तो A1 = 3 × A2 है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × A2 आ जाएगा, और प्लस A2 = 1 ठीक है, 3A2 + A2 हो गया, सॉरी 3A2 + A2 हो गया तुम्हारा, आपके पास 4A2 = 1 ठीक है। सो यहाँ से A2 आ जाएगा 1/4, हमारे पास A2 की एफिशिएंसी आ गई जो हम यूज़ करेंगे। सो फिर से मैं फार्मूला लिखता हूँ, एफिशिएंसी = टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज ठीक है, और या फिर टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं, TotalWork = Efficiency × Number of Days ठीक है। तो अब देखिए वो बोला है अरुण अकेले काम को करेगा तो कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, हमारे पास टोटल वर्क है 12, टोटल वर्क हमारे पास ये देखिए 12 है, और अरुण की एफिशिएंसी A2 निकाल चुके हैं 1/4। सो ये देखिए यहाँ इस वैल्यू में पुट कर, टोटल वर्क हमारे पास 12 है, अरुण की एफिशिएंसी 1/4 है, और उसको एक्स डेज लग रहा है जो हमें निकालना है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एक्स की तो 48 डेज आ जाएगा। सो 48 डेज आ जाएगी हमारे पास अरुण की, अरुण 48 डेज में टोटल 12 डेज जो है काम ख़त्म करने में उसको 48 दिन लगेंगे, ऐसे सॉल्व करना है ये आपका, आप रिपीट करके देख लीजिएगा, कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कोई भी डाउट आए आपको किसी भी चीज़ पे किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट ज़रूर करना, और मैं आपको लास्ट में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लेना, और भी अच्छे क्वेश्चंस या कोई भी डाउट हो आप उस पर भेज सकते हैं, और उस पर आपको फ्री मटेरियल मिल जाएंगे, हमारे ग्रेट कोचिंग सेंटर से आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। बाकी लिंक जो भी लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पर फॉलो कर लेना, देख लेना।